पवनकोट? पर पवनकोट क्यों जाएंगे चाचा जी? मैनू नहीं पता अगर वो पवनकोट में किसी को जानता हो। पवनकोट? जी नहीं, पवनकोट में तो हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है हमारे वहां पर। सर चांदनी, गोविंद, रघुवीर और मंजीत सबसे बात हुई, सबका ये कहना है कि पवन कोट से उनका कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी और ना ही कोई रिश्तेदार। जो आदमी अपनी 32 साल की कर्मभूमि पेरिस को छोड़कर इंडिया अपने गांव गुरनामपुर वापस लौट सकता है तो अपने गांव गुरनामपुर से भी कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो गया कैसे, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती? सर अजीत का दोस्त हेमंत ठाकुर ऑन द वे है, शायद वो कुछ बता सके इस पवन कोट के कनेक्शन के बारे में। 4 अप्रैल को उसे चंडीगढ़ आना था पर वो आया नहीं। लास्ट बात कब हुई थी इनके साथ? मार्च आखिरी हफ्ते में। ओ यार हेमंत, एक बारी कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तो मतलब आ रहा हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी टरकाइयो मत। अरे यार 4 महीने हुए हमें मिले, तो तेरी लाइफ में हो क्या रहा है बताएगा? ओए कुछ नहीं चल रहा है यार, यही तो रोना है। लेकिन भाई तू इतने दिन गायब कहाँ था बताएगा? देख जिंदगी जो होती है मजे लेने के लिए होती है और मैं मजे ले रहा हूँ फुल एकदम। जिंदगी है ना अपनों के साथ गुजारने के वास्ते होती है, तो चांदनी भाभी और सैम को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? देख हमारी दोस्ती अपनी जगह है और ये मेरा पर्सनल मामला है, तू इसमें दखलंदाजी ना दे वही बढ़िया गल है। तो दखल कौन दे रहा है, बस मैं तेरी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चांदनी और सैम अपनी लाइफ में एकदम सेट है और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और तेरे साथ और एंजॉय करूंगा। एक बात सुन ले, ये रुखी सुखी बर्थडे पार्टी नहीं चलेगी, ये बढ़िया सा इंतजाम करके रख ले हैं। उसके बाद वो लगातार मैसेज भेजता रहा कि वो आ रहा है। सिर्फ मैसेज, कोई कॉल नहीं? नहीं सर, एक भी फोन नहीं है। फिर अचानक से एक मैसेज आया कि बैंकॉक का प्लान बना है, वो बैंकॉक जा रहा है, बर्थडे में नहीं आ सकता। ये महीनों तक गायब रहने की आदत कब से थी उन्हें? मैं मिंटो को गए 4 सालों से जानता हूँ, एक बार में हम लोग मिले थे और वहीं बातों बातों में दोस्ती हो गई। मैं उतना ही मिंटो के बारे में जानता हूँ जितना वो बताना चाहता था बस। क्या जान लिया था आपने हरजीत के बारे में? सेल्फ मेड मैन है वो, बहुत ही कम उम्र में वो अपने पिन छोड़ के पेरिस चला गया, वहाँ मेहनत से उसने बिजनेस खड़ा किया, उसके बाद जब वहाँ उसका दिल भर गया तो फिर गाँव लौट कर वापस आ गया। क्यों दिल भर गया, क्यों लौट आया अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर? मस्तियाँ मारन ली, मस्त मौला बंदा है, किसी के साथ कोई परमानेंट रिश्ता नहीं रखता है। और औरतों के साथ? शायद सबके साथ, बंदा है तो 59 साल का लेकिन दिल से 25 का है। सर आप उसे एक किस्म का बागी कह सकते हैं, उसकी अपनी खुद की एक सोच नियम, दुनिया की केयर नहीं करता सर वो, और ना ही किसी की लाइफ में दखल देता है, और अपनी भी लाइफ को बड़ी प्राइवेट रखेगा, बहुत कम बताएगा अपने बारे में वो सर। पुलिस ने हरजीत गिल के पुराने फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए और बहुत जल्द पुलिस के हाथों हरजीत की कार की डिटेल्स भी आने वाली थी। दूसरी ओर पवनकोट क्राइम ब्रांच को एक ड्रग कंसाइनमेंट की टिप मिली। एक सेकंड भी नजर मत हटाना, वो बंदा चाहिए हमें, भाग ना पाए। जनाब लॉज के नीचे ही खड़ा हूँ, निकल जाने का चांस ही नहीं है। कोई माल वाल लेकर आया? अभी तक तो नहीं जनाब, लेकिन कल रात ये बंदा एक बैग लेके आया था, ये खबर 16 आने पक्की है जनाब। सर हरजीत के 5 महीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सर एक औरत है किरण पुंज, जानती है हरजीत को, बात करती आई उससे। तुम्हारी बात हुई है इस किरण पुंज से? हाँ जी, मेरा नाम किरण है, किरण पुंज। हरजीत गिल को जानती हैं आप? पेट नेम मिंटू? जानती हूँ, मिंटू जी मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी। थी मतलब? 2 महीने पहले तक तो थी। बता सकती है मिंटू इस वक्त कहाँ होगा? 2 महीने से गायब से हैं, कम से कम मेरी लाइफ से तो है। गुरनामपुर की है सर, घंटे भर में यहाँ पहुँचती होगी। पर है कौन? ज़्यादा कुछ बताया नहीं सर, मैंने पता किया अकेली रहती है, तलाकशुदा है। चलो आने दो, पता करते हैं घेरे के कौन से छोर पे है मैडम।
केड़ा माल जना, मैंने कुछ नहीं पता। तो ये क्या कर रहा है तेरे पास? ये तो मेरी हिफाजत के वास्ते है जनाब। तुझे किसे खतरा है बे? मालूम नहीं जनाब। मैंने पता है, तुझे इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमसे है, और अब तो तेरा हथियार भी हमारे हाथ लग गया है। ड्रग्स कहाँ है? मैंने कुछ नहीं मालूम जनाब। बोल दे कहाँ से आया है माल और किसके पास जा रहा है। अपने आका का नाम ले, वरना हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे। तू यही है? कहीं गई नहीं? मूड नहीं सी। तेरा हस्बैंड चला गया? आज डबल ड्यूटी है। चंगा है ते कल सवेरे तक असी एक दूजे नाल एक दूजे नूं और अच्छे से जान लेंगे। तू कहाँ रहती है? मैं नहीं जानती। तू क्या करती है? मैं भी नहीं जानती। तेरा असली नाम कमलप्रीत है भी कि नहीं, मैं भी नहीं जानती। मैंने तुझसे पूछा तेरा असली नाम रेखा है या नहीं। क्यों रेखा? ले, मैं तो ऐसे ही पड़ोस में रहती हूँ। मैं झूठ बोलूंगी तो दुनिया सच बोल देगी। हमारा मिलना तो कायनात की साजिश है। हम बने ही एक दूसरे के लिए। हमारे नाम ठिकाने सच हो या झूठ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि हमारे बीच क्या है। क्या है हमारे बीच? सब कुछ यही कह दिया ना। बेचारे फुल शर्मा जाएंगे। कहने को तो ये एक मिसिंग केस था हरजीत गिल का, जिन्हें गुमशुदा माना जा रहा था। लेकिन इस केस की राह पर कई अलग अलग दिशाओं में पगडंडियां निकल रही थी, जो अब तक किसी एक मंजिल तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये सभी जुड़ी तो हरजीत गिल से ही थी, पर कैसे ये किसी को मालूम नहीं था। एक तरफ पवनकोट क्राइम ब्रांच एक ड्रग कार्टल के पीछे पड़ गई थी, और दूसरी तरफ गुरनामपुर पुलिस नई लीड किरण पुंज के सामने आने का इंतजार कर रही थी। कम से कम जी 8 बार फोन आ गया जी पेरिस से। मामी जी परेशान लग रहे हैं जी। दोनों ने ऐसा नहीं लगता कि खामखा मुसीबत तोड़ ली हमने? और की जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट दिया? आ जाएगा मिंटू 2-4 दिन में। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कि चाचा जी कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हों, या चाचा जी कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे ना। की दसें यार। तीसरी ओर गुरनामपुर और वहां से हजारों मील दूर पेरिस में हरजीत गिल के चहेते और शुभचिंतक अब और परेशान होते जा रहे थे। पर हरजीत गिल का इस तरह से सारा संपर्क रद्द करना कोई नई बात भी नहीं थी। पर इस बार अंदरूनी तौर पर उसके परिवार वालों को एक मनहूसियत भरी फीलिंग आ रही थी कि कुछ गंभीर हुआ है, कुछ गलत। क्या क्या हुआ हरजीत के साथ? गायब है, मिल नहीं रहे। जी असं दिसंबर 2015 में मिले और इस साल मार्च की शुरुआत तक हम टच में थे। जी हम जानते हैं आपके फोन रिकॉर्ड से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच किस किस्म का रिश्ता था। जी वो हमारा निजी मामला है। बेशक ये आपका निजी मामला है, लेकिन जिसके साथ आपका ये निजी मामला है इस वक्त वो हमारा निजी मामला बन गया है। हरजीत गिल को ढूंढने के लिए हमें जिस जिससे मिलना है हम मिल रहे हैं, जो जो सवाल करने हैं हम वो कर रहे हैं। हमें बस उतना ही जानना है जितना इस केस के लिए जरूरी है। हमें बाकी डिटेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? दोनों के बीच क्या रिश्ता था और टूटा क्यों? एक डेटिंग वेबसाइट पर, मैं सिंगल हूँ, डिवोर्सी, हरजीत की तरह। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे, इस वक्त मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ और मेरे लैपटॉप थे तुसी। बहुत फास्ट मूव करते हैं आप, पर जरा संभल कर जी। दो अकेले तन्हा दिल खाली जिंदगियां कुछ ज्यादा ही भर सकते हैं। जिंदगी में किसको कितनी जगह देनी है ये आपस में तय कर लें तो फिर बंद जाने का कोई स्कोप ही नहीं होता ना। मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड था, बस
एंजॉय करो और भूल जाओ। बिल्कुल, कोई कमिटमेंट नहीं। जैसे एक बंदे का मन पड़ गया तो ईमानदारी से अगले को बता दो, बस नो हार्ड फीलिंग्स। और बहुत सारी अच्छी यादें। मुझे आपकी ऑनेस्टी पसंद से आ रही है मिस्टर। तुसे दिख नहीं रही हूँ मैनू, पर तुम्हारे शब्द मुस्कुरा रहे हैं यंग लेडी। बस फिर अगले दिन हम मिले और 4 महीने तक रोज मिलने लगे। जी वो मेरे साथ रहने लग गए थे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। बड़ा ही दिलदार बंदा है वो। हाँ लेकिन फिर जब ऊब गए तो उड़ गए। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? सर जी एयरपोर्ट का लाउंज हो या 5-star होटल का रूम, घर तो नहीं होता ना। और मैं तो शुरू से जानती थी कि चेकआउट करना है, अलग फ्लाइट पे जाना है। उनकी तरफ से रत्ती भर कोई लगाव नहीं, कोई इमोशन नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं है। इमोशन है पर वो बुक्ड हैं। उन्होंने अपने सारे इमोशन अपनी पेरिस की फैमिली के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। बाकी सारी दुनिया जैसे उनके लिए मज़े लूटने का बगीचा है। सर जी अब तो बता दीजिए कि माजरा क्या है। हमें सच में नहीं मालूम। गुरनामपुर के उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये बंदा वाकई में गायब है या फिर कहीं अकेले रहना चाहता है। वैसे किरण जी कौन सी डेटिंग साइट पे मिले थे आप लोग? PB0T76FY, हरजीत की कार का नंबर, 5-seater सेडान। जिस डेटिंग साइट पर हरजीत और किरण मिले थे उस साइट का नाम है www.lovelycircle.com। सर पोर्टल की मदर कंपनी से हरजीत की सारी डिटेल्स निकल सकते हैं। सारी चैट, सारे कॉन्टैक्ट, सब कुछ निकलवा। हरजीत के घर हमें कोई डेस्कटॉप नहीं मिला और ना ही कोई लैपटॉप। इसका मतलब यह है कि हरजीत अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर गया। सर अगर ये साइट पर लॉगिन कर रहा होगा तो उसका आईपी एड्रेस और लोकेशन दोनों मिल सकते हैं। करेक्ट। पोर्टल वालों से तुरंत कॉन्टैक्ट करो। कार की सारी डिटेल्स पवनकोट पुलिस को भेज दो। गुरनामपुर पवनकोट हाईवे पर जितने भी टोल नाका हैं सबकी CCTV फुटेज मांगो। अगर हरजीत गिल गुरनामपुर से पवनकोट गया है तो उसकी कार या लैपटॉप हमें उस वक्त जरूर पहुंचाएंगे। हरजीत गिल की कहानी के नए पन्ने, नए अध्याय सामने आने लगे। हरजीत गिल और किरण पुंज का एक ऑनलाइन डेटिंग और फ्रेंडशिप साइट पर मिलना पुलिस के लिए एक सुराग था, लेकिन बहुत ही हल्का सा सुराग। ये केस उतना सरल नहीं था। हरजीत का अकेले रहने की इच्छा वाला एंगल धुंधला पड़ने लगा। और पवन कोट ड्रग कार्टल का हरजीत से क्या कनेक्शन था? देख भैयाजीत, अगर तुझसे हमें कोई जानकारी नहीं मिली ना तो तेरी उस खाली ड्रग की सिरिंज की तरह तुझे कुचल देंगे। नहीं जनाब, नहीं। कोई तेरी लाश तक पहचानने नहीं आएगा। और अगर गलती से आ भी गया ना तो पहचान नहीं पाएगा। नहीं नहीं जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं तो बस माल पहुंचाता हूँ। उस बंदे नु कौन भेजता है मैनू नहीं पता चला। मैं वो बंदे नु 5,000 दे देता हूँ जनाब, और माल आगे पहुंचा देता हूँ। आगे से मैनू 10,000 मिल जाते हैं और मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ माल पहुंचाता था तू और किसे देता था? हर बार जब मैं माल पहुंचाता मैनू 15 की थप्पी मिलती जनाब। 5 मैं उस मुंडे नू दे देता, 10 खुद रख लेता। नाम क्या है उस बंदे का? मैंने नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं। विनोद, अगर हमारी दवा असर ना करे तो ऐसे इसी की दवा दे दो। नहीं जनाब, नहीं। पहले डंडा घुसेड़ो, अगर ना बोले तो सिरिंज। बस कुछ भी करके इसका मुंह खुलना चाहिए। जनाब, 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 मैं कुछ नहीं कीता जनाब, जनाब। मार्च को हरजीत यहीं गुरनामपुर में था सर। 12, 14 और 15 अप्रैल को हरजीत की कार की मूवमेंट टोल नाके से गुरनामपुर की तरफ थी और फिर रिटर्न पवनकोट की तरफ 3 घंटे के अंदर।
सरदार, अगर गाड़ी 12, 14 और 15 अप्रैल को गुरनामपुर में एंटर हुई तो उस कॉलोनी के वॉचमैन को पता क्यों नहीं? जनाब, 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 मैं अपने बीजी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने हरजीत साहब के कार को कभी भी कॉलोनी में आते हुए नहीं देखा। कार ये तब आई होगी जब मैं हाथ मुंह धोने गया हूँ या राउंड पर गया हूँगा जनाब। अबे तीनों बार तू या तो राउंड पर गया था या फिर हाथ मुंह धोने गया था। मुझे नहीं पता जनाब, अब मेरी सफाई के लिए सीसीटीवी कैमरा भी तो नहीं है। हमारी कॉलोनी में मैं अकेला चौकीदार हूँ, वहां पर आज तक कभी कोई गलत बात नहीं हुई। अगर तू झूठ बोल रहा है, आप तो मेरी खाली उधेड़ लेना जी। ये हरजीत जी है ना, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता जनाब। नहीं नहीं सर, इदा तो नहीं सीखे मामा जी के साथ आए दिन बात होती या मिलना होता। लेकिन जनाब, अगर वो यहाँ आए होते हमें ये बता के कि वो आ रहे हैं तो फिर उन्होंने हमारे साथ कोई कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया जी? अच्छा, वो हर बार आते वक्त बताते थे तुम लोगों को? वो तो जी उनकी मर्जी है, जो टच में रहना होता तो रहता था और नहीं तो फिर नहीं। हम हर एंगल से टटोल रहे हैं, कुछ तो अटपटा है, कुछ तो हुआ है। वो रंगीन जिंदगी जी रहे थे, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो वाकई में मिसिंग है? किरण पुंज, नाम सुना है पहले कभी? मिले उनसे? नहीं जी। नहीं जनाब। दिसंबर से लेकर मार्च तक करीब 4 महीने इनकी दोस्ती रही। ये एक ऑनलाइन डेटिंग पोर्टल पर मिले थे, उसके बाद फेस टू फेस। काफी गहरा रिश्ता बन गया था इन दोनों के बीच। मेरा मतलब सानू तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जी, तुसी बता रहे हो तो मालूम पड़ रहा है। हमें तो बस वो जो मैसेज आ रहे थे ना, वो अजीब से लग रहे थे जी। हमें तो बोला कि 16 अप्रैल को आ रहे हैं जी, नहीं आए तो फिक्र हुई। सर, यूके बेस्ड पोर्टल है, अरजीत की डिटेल्स निकलवाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। देखो क्या निकलता है पोर्टल की डिटेल से। करता है ये आदमी वैसे चाहता नहीं था कि कोई इसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे, लेकिन देखो अब हमें इसकी पर्सनल लाइफ की बाल की खाल निकालनी पड़ रही है। ये या तो किसी ऐसे आदमी के साथ है जिसके साथ ये खुद रहना चाहता है, या फिर बहुत तकलीफ में है। ये केस बड़ा अटपटा है। ये केस क्या है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम हरजीत गिल से मिलेंगे। सर, बंदा बहुत रंगीन मिजाज है। मुझे लगता है जैसे ही किरण पुंज के साथ कुछ महीने रहा, ठीक उसी तरह से किसी और औरत के साथ लिविन में रह रहा होगा अपनी मस्ती में। कैसे सूट होते? बिल्कुल टच। झुमके भी लिए? और क्या, बढ़िया है जी। खूब शॉपिंग वॉपिंग हो रही है? तुम ही से तो सीख रही हो। वैसे तुमने कहाँ से सीखा इतने पैसे कमाना? कमी नहीं, कैसे भी करके तुझे मेरे अतीत में ही झांकना है। अब कैसा पड़ता बता भी दे। बड़ी तड़प है मेरी कुंडली जानने की। तड़प तो चल तू भी क्या याद करे। ऐ हुई ना गल। चल बोल। हाँ, कहानी कोई नई नहीं है भाई। गरीब माँ बाप की खूबसूरत सी बेटी, उसका सपना कि एक दिन उसका राजकुमार आएगा और उसे महलों में लेकर जाएगा, हीरो से लाद देगा। पर मेरी जिंदगी में जो राजकुमार आया, अब उसकी हालत मेरे माँ बाप से भी बदतर थी। भिखारी राजकुमार का चूल्हा और बिस्तर गर्म करने के बीच मेरी जिंदगी साली धुआं होते चले गई थी। दिन रात एक ही बात चलती दिमाग में, कैसे कैसे और कैसे, कब मैं इस लोहे के पिंजड़े से बाहर निकलूंगी और खुले आसमान में उड़ूंगी। काफी लड़ने झगड़ने के बाद मेरे पति ने मुझे नौकरी करने की इजाजत तो दे दी। शक्ल तो मेरी अच्छी सुशील लड़कियों जैसी, जो तो दूर दूर तक है। नहीं, दूर दूर से नहीं, पर जो मेरा सेट था ना लल्लू,
उसने मुझे कैश के गले पे बिठा दिया। उस दिन मौका था और मुझसे रहा नहीं गया। सामने पड़े हुए पैसे मुझे हीरे तो नहीं लेकिन कुछ तो सुकून दे सकते थे, फटीचर हालत से कुछ तो राहत मिलती। तो आओ दिखाना था, उठा लिए पैसे और पकड़ी गई। पुलिस दा थप्पा मेरे लिए एक तीर दो निशान साबित हुआ। वो क्यों? फटीचर पति ने खूब हंगामा किया, चली जा मेरे घर से, शक्ल मत दिखा। दूसरी तरफ माँ बाप छाती पीटने लगे, ये क्या कर दिया, मुंह काला करके चले आई। मैंने कहा चलो जी, सबको राम राम सत श्री अकाल। मैंने शहर ही छोड़ दिया, सीधे यहाँ पवनकोट चले। चल कहीं भाग चलते। तो अपने डबल शिफ्ट वाले पति को छोड़ देगी? अरे मेरी जिंदगी से तो डबल शिफ्ट छूटेगी ना, अभी तो बस एक शिफ्ट चूल्हा और एक शिफ्ट बिस्तर जैसी तेरी जिंदगी थी। किसे चाहिए यार ये बकवास जिंदगी। हम खुल के जिएंगे, खूब ऐश करेंगे और अब इतने पैसे भी तो है अपने पास। ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम। लेकिन अभी थोड़े और पैसे आने, वो आ जाए उसके बाद फिर हम अपनी डबल शिफ्ट मनाएंगे। एक शिफ्ट मस्ती और एक शिफ्ट और मस्ती। ये जो ऐश चल रही थी और जो मस्तियों की प्लानिंग हो रही थी, ये सब कुछ हरजीत गिल के पैसों पर हो रहा था। हरजीत की चेकबुक कमलप्रीत के पास थी। ओ जी, तो चेक साइन कर दीजिए, कुछ पैसे चाहिए थे। कितने कितने चाहिए थे? नो, तो उसे साइन कर दीजिए, जितने भी चाहिए होंगे निकलवा लूंगी। लो। एक और जी, आपने कॉफी तो पी ही नहीं? कॉफी? बुड्ढे को बोला था दो चेक साइन कर दो, पूरी चेकबुक ही साइन कर दे। और ए रहा बुड्ढे दे एटीएम दा पासवर्ड, कल रात को तड़पा तड़पा के निकलवाया। हाय, तू तो बड़ी फॉरवर्ड निकली। जब तुझे पहली बार मिली थी ना, तब जी नहीं सोचा था इतनी पहुंची हुई होगी। लेकिन मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी, तू क्या चीज है। रेखा, इतने पड़ोस में ही रहती हूँ। देखा तो होगा ना तुमने? तेनु को एक बारी देख ले तो भूल सकता है भला? जी? क्यों? आईना नहीं है घर में, उसे से पूछ ले क्यों। अरे ऐसा नहीं है जी, मैं तो ये कह रही थी कि उसे कितने खूबसूरत हो। थैंक यू। इतने पैसे आते कहां से है तुम्हारे पास? मुफ्त बना तो कोई तुमसे सीखे इतने मुद्दे पर? जो आदमी आता है यहाँ, पति तो नहीं लगता तुम्हारा। तो ये लगता है मेरा कोई आशिक ही होगा।
जो पानी की तरह पैसे बाहर आए तुम पर? ठीक से हो रही है ना जना? या थोड़ी सी नमक मिर्च भी रगड़ दो, जल कर खाक हो जाने दो, मुझे राहत तो मिलेगी। तू भी ना, बड़ी दिलचस्प है रे। मुझे दिलचस्प तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, ऐसा पैसा। हर मर्ज की दवा है पैसा। पैसे के लिए ना कुछ भी कर दूं जी, कुछ भी। मुझे ये मेरी दोस्त है रेखा। कमलप्रीत के हरजीत गिल के साथ जिस्मानी संबंध थे। कमलप्रीत का रेखा को हरजीत से मिलवाने का एक ही मकसद था कि हरजीत रेखा के साथ भी संबंध जोड़े, और ऐसा ही हुआ। एक आदमी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिल्कुल आजाद पंछी की तरह जी रहा था, मजे लूट रहा था हर दिन के हर रात के, पर उसे पता नहीं था कि कोई उसे लूट रहा था और उसे सोने की मुर्गी की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में था। उस दिन आखिरी बार था जब हरजीत गिल उर्फ मिंटू अपनी माशूका कमलप्रीत के घर पर आया था। सर, ऑनलाइन डेटिंग साइट से डेटा परसों तक मिल जाएगा, कंपनी से अभी बात हुई है। कार? सर, पवनकोट में हमारे सारे खबरी लगे हुए हैं, हरजीत और उनकी कार की सारी डिटेल्स उनके पास, फोटो भी। हमें इस आदमी को किसी भी सूरत में ढूंढ निकालना है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ मनोज से बुआ रही। एक तरफ पुलिस एक मिसिंग केस पर काम कर रही थी, लेकिन ये तहकीकात पुलिस को हरजीत गिल तक नहीं पहुंचाने वाली थी। लेकिन एक दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आई एक भटकती खबर इस हरजीत गिल मिसिंग केस को अंजाम देने में सफल होने वाली थी। सर, उस कंसाइनमेंट का एक हैंडलर बोल पड़ा, माल एक कार में ट्रांसपोर्ट होने वाला है, कार का नंबर मिल गया है, PBOT 76FY। मूवमेंट कब है? शायद आज रात, पवनकोट से बरनाला। जरा कांच नीचे कीजिए मैडम जी। आप लोग? क्राइम ब्रांच। की गल है सर जी? आप गाड़ी से बाहर आएंगी? पहले दसो तो सही, की गल है? बस रूटीन चेकिंग है। आप गाड़ी से बाहर आकर अपना लाइसेंस दिखाएंगे और हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। तलाशी लेंगे? क्यों तलाशी लेंगे? आप बाहर आती हैं या आपको सीधे थाने ले जाएं? जी साइड में आइए। लाइसेंस दिखाइए। कमलप्रीत? हाँ जी, मैं पवनकोट की रहने वाली हूँ जी। सर, ये हरजीत गिल कौन है जी? वो जी, मैंने एक गड्डी उन्हीं से खरीदी है, अभी नाम ट्रांसफर नहीं करवाया तो पेपर उन्हीं के नाम पे। गाड़ी कब खरीदी आपने उनसे? बस पिछले हफ्ते। सर, कंसाइनमेंट पकड़ा गया।
फंसाने का काम तो तुम कर रही हो, क्राइम ब्रांच को, जिन्होंने तुम्हें रंगे हाथों इन ड्रग्स के साथ पकड़ा है। बकवास ना करो सर जी, ये जो भी चीज है मैं नहीं पहचानती इसे, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी गाड़ी में रखवाई है। ये गाड़ी तो वैसे भी आपकी है नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सीधे हमारे साथ थाने चलिए। ओ जी मैं नहीं जा रही थाने, मैं क्यों जाऊं थाने? कोई गल नहीं, आपको ले जाया जाएगा। दो तीन हट्टी कट्टी लेडी कांस्टेबल को बुलवाओ, मैडम जी से खूब सवाल करने हैं। कमलप्रीत कौर को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए हरजीत गिल की कार इस्तेमाल की जा रही थी। सर वो औरत कमलप्रीत कौर टूट नहीं रही है, और सर इस केस से जुड़ा गुरनामपुर का एक केस और भी है। वो गाड़ी चोरी की है ना सर? जिस बंदे की वो गाड़ी है, मेरा मतलब जिस बंदे के नाम के पेपर्स हमें कमलप्रीत कौर की गाड़ी से मिले हैं, वो बंदा हरजीत गिल मिसिंग है, और गुरनामपुर पुलिस उसे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रही है। तब तो उस औरत को टूटना ही पड़ेगा। कमलप्रीत अब बुरी तरह से फंस गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ ड्रग पेडलिंग का चार्ज था और दूसरी तरफ था एक मिसिंग आदमी का केस। कमलप्रीत ने हर मुमकिन पैंतरा अपनाया अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और उन्होंने आखिरकार उसके सारे मुखौटे उतार ही दिए। जितनी जल्दी सच बोल दोगी उतनी कम तकलीफ होगी। बोलो। मैं नहीं जानती जी किसी ड्रग शक के बारे में। कोई बात नहीं, हरजीत गिल को जानती हो? देखो लोग यहां जितनी देर खामोश रहते हैं उनकी चीखें उतनी लंबी होती है, औरतों की भी। जी मैं जानती हूँ हरजीत जी को। लगभग एक महीने पहले हरजीत गिल और कमलप्रीत कौर उसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिले जहाँ हरजीत किरण पुंज से मिला था। एक दूसरे से चैटिंग करते करते हरजीत और कमलप्रीत एक दूसरे से आकर्षित हुए थे और करीब आ गए थे। ऑनलाइन टेक्स्ट चैट में सामने वाला अपने बारे में जो चित्र बनाता है उसे कई लोग सच समझकर उस रिश्ते को आगे ले जाते हैं। कमलप्रीत ने कभी हरजीत को अपने अतीत की सच्चाई नहीं बताई कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हरजीत फिर एक बार ऐसे रिश्ते को बस अपने मन भरने तक उपभोग का साधन समझ बैठा था। उसे लगा था कि किरण पुंज की तरह वो कमलप्रीत को भी अपने से दूर कर लेगा। हरजीत गिल जी काफी पैसा खर्च करते थे मुझ पर, मैंने तो उन्हें अपनी फ्रेंड रेखा ढिल्लों से भी मिलवाया था, उन दोनों ने भी काफी एंजॉय किया। इस वक्त कहाँ है रेखा? अपने घर होगी। घर कहाँ है इसका? सर जी मुझे नहीं पता मेरी बीवी कितने चली गई है, मैं कल जब ड्यूटी से आया तो वो घर पे थी नहीं, और उसको फोन भी बंद है, किसी को कुछ भी नहीं पता वो कितने है। आप सच बोल रहे हो? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरी बीवी गायब हो गई है। आपकी बीवी ने आपसे झूठ बोला? वो गायब नहीं हुई, भाग गई है। की झूठ बोला? एक बहुत ही संगीन जुर्म में शामिल है वो। कहाँ है हरजीत गिल? कुटो, और मैडम को तब तक कुटो जब तक इनका भरता ना बन जाए। पुलिस स्टेशन के दो दो किलोमीटर तक इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। हो जाओ शुरू। जी मैं और रेखा हरजीत गिल जी को नशीली दवाएं देते थे, रोज मैं उनके ब्लैक कॉफी में नशीली दवा मिलाती थी और उनसे चेक साइन करवाती थी। चेक बुक कहाँ से आई? उनके घर जाकर लेकर आई? हाँ जी, उनसे उनके एटीएम का पासवर्ड भी निकलवा लिया था, उससे भी पैसे निकाले। और वो जो मैसेज भेजे गए थे गोविंद, रघुवीर और मंजीत को? वो भी मैंने ही भेजे थे जी, उन लोगों को दिलासा दिलाने के लिए कि हरजीत गिल जी बिल्कुल चंगे भले। फिर वो लोग जब फोन पर बात करने की जिद करने लगे तो मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर तुमने ये मैसेज क्यों भेजा कि 16 अप्रैल को हरजीत गिल गुरनामपुर पहुंचेंगे? वो मैंने ऐसे ही भेज दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो लोग मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते इसलिए। हरजीत गिल की लाश कहाँ है कमलप्रीत? कहाँ है लाश? हमने नहीं मारा जी उन्हें, हमने नहीं मारा, और उन्होंने खुदकुशी भी नहीं की। फिर ऐसे मर गए अपने आप? वो भी नहीं जी। हरजीत के रिश्तेदार और दोस्त इस खबर से स्तब्ध रह गए।
वो यकीन ही नहीं कर पाए कि हरजीत गिल की इस तरह से मौत हुई थी। हरजीत की एक्स वाइफ और जवान बेटा भी बुरी तरह से हिल गए जब उन्हें बताया गया कि हरजीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि हरजीत उनसे 6 साल से अलग थे, पर एक सच ये भी था कि वो 32 साल उनके साथ भी तो रहे थे। कड़ी पूछताछ के बाद ये पाया गया कि रेखा का पति देवप्रीत इस सारे जुर्म से अनजान था। मुख्य आरोपी कमलप्रीत कौर पूरी तरह से टूट चुकी है। वो नहीं जानती है कि उसकी जोड़ीदार रेखा कहां गायब हो गई है। आरोपी रेखा ढिल्लों फरार है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। हरजीत के जो अवशेष मिले उसके फोरेंसिक एनालिसिस ने मौत का कारण नशीली दवाई का ओवरडोज बताया। हरजीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कमलप्रीत का ड्रग कार्टल के साथ रिश्ता क्या है और क्या हरजीत की कार ड्रग्स के हेर फेर में इस्तेमाल हो रही थी, ये जानने के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कमलप्रीत और उसकी फरार साथीदार रेखा पर आईपीसी की धारा 32, धारा 302 हत्या के लिए, धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और NDPS यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। कमलप्रीत इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। ऑनलाइन दुनिया आज लोगों की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई है। ये दुनिया दो लोगों को मिलवाती है, लेकिन किसके कितने करीब जाना है, किसे अपने बारे में कितना बताना है, ये फैसला जोश में नहीं होश में लिया जाना चाहिए। इंटरनेट पर अजनबी लोगों से दोस्ती करते वक्त ये बेहद जरूरी है कि सबसे ज्यादा अहमियत अपनी सुरक्षा को दी जाए और खतरे का आभास होते ही अपना बचाव करने की तैयारी रहे। इंटरनेट का दूसरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे वेब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को एक वेब में, एक नेटवर्क में जोड़कर सबके लिए उपलब्ध कराता है। लेकिन यही वेब एक घेरा भी साबित हो सकता है, एक जाल, एक ट्रैप, जैसा कि हमारे आज के केस में हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।